हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर गेमप्ले वीडियो। हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं एमपीएल पर 101 पूर्व में। एंड गाइस, ये गेमप्ले काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि यहाँ पर हम ओनली वन टाइम ड्रॉ करने वाले हैं और उसके बाद आपको बैक टू बैक डिक्लेयर करने को मिलेगा और ऑल प्ले को हम इजी एलिमिनेट करने वाले हैं। सो गेम प्ले मस्ट एंड तक वॉच करना। ओके, सो बात करते हैं गाइस इस गेम प्ले की। हमारे पास 2 जोकर एंड वैलिड कार्ड काफ़ी सारे हैं, सो प्ले करना तो बनता है। एंड गाइस, हमारे पास क्लोडेक से जे आ चुका है, सो मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। कब जे को मैंने इस वजह से होल्ड रखा, क्योंकि डबल है, बंदा पिक भी कर सकता है, क्योंकि मुझे पता नहीं बंदे कौन कौन सा कार्ड निकालने वाले हैं। ओके, इस बंदे ने हर्ट एस निकाला है। एंड सेकंड बैट पे देखते हैं प्ले करता है फिर नहीं। ओके, जे ड्रॉप कर देता है एंड डीलर भी प्ले कर रहा है। सो हमारे पास क्लोडेक से 8 आ चुका है और हमारी सीक्वेंस रेंज हो चुकी है। सो अब हम निकाल देते हैं जे को। अगर बंदा फॉलो करेगा तो जे के अकॉर्डिंग हर्ट में जे या फिर डैन में जे निकाल सकता है और हम सेट अरेंज कर सकते हैं। लेट्स सी इट। ओके, और इसने तो किंग ही निकाल दिया, क्या बात है। सो मैं जे को डिस्कार्ड कर देता हूँ। और गाइस, डिक्लेयर करने के लिए ओनली 1 वैलिड कार्ड चाहिए। अगर 6 के अकॉर्डिंग आ गया तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, ये बंदा देखो कितना स्मार्ट है, इसने अब निकाला किंग जब हमने बैक टू बैक 2 टाइम निकाला था जे। कोई नहीं, हम 6 को निकाल देते हैं। लेकिन गाइस, ये बंदा 6 को पिक करता है और फाइनली इसी के साथ डिक्लेयर कर देता है। मतलब कहाँ पे हम डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन गाइस ये बंदा डिक्लेयर कर देता है। अगर हम इससे पहले वाली टर्म में 6 निकाल देना तो ये बंदा तब भी डिक्लेयर कर सकता था, क्योंकि ये बंदा 6 का सेट रेंज कर रहा था और इस बंदे को डिक्लेयर करने के लिए ओनली 1 वैलिड कार्ड चाहिए था। खैर कोई नहीं, अगेन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं डिस्पाई हमारे पास, तो काफ़ी ओपी कार्ड है गाइस, क्या बात है। ओनली 1 वैलिड कार्ड चाहिए डिक्लेयर करने के लिए। अगर आ गया तो मज़ा ही आ जाएगा, बंदों के इजी 40 पॉइंट लगने वाले हैं। ओके, और फाइनली गाइस हमारे पास जोकर आ चुका है। सो हर्ट 6 के साथ करते हैं डिक्लेयर, इसी के साथ फिनिश। अब देखते हैं बंदे कितने पॉइंट से लॉस हुए हैं, 40 या फिर इससे डाउन। अगर इनकी प्योर सिक्वेंस रेंज नहीं हुई होगी चारों की, तो बंदे इजी 40 पॉइंट से लॉस होने वाले हैं। लेकिन गाइस, ये बंदा जो है डीलर, ये ओनली 21 पॉइंट से लॉस हुआ है, क्योंकि इसकी फर्स्ट एंड सेकेंड लाइफ अरेंज हो चुकी थी पहले से ही। खैर कोई नहीं, बाकी तो लॉस हुए 40 पॉइंट से। अगेन गाइस, कार्ड डिसेबल हो चुके हैं, इस बारी हमारे पास और सिक्वेंस है एंड 5 जोकर है, तो रिस्क ले सकते हैं। वैसे इनवर्टेड कार्ड भी काफ़ी सारे हैं, काफ़ी टर्न लग सकते हैं। इस बीच हम प्योर सिक्वेंस तो रेंज कर सकते हैं, आई मीन सेकेंड लाइफ, लेकिन अभी भी हमारे पास देखो इनवर्टेड कार्ड कितने हैं। और वैलिड कार्ड हमें चाहिए टोटल 3, 7 का सेट रेंज हो जाए और जे का सेट, और उसके बाद डिक्लेयर करने के लिए हमें चाहिए होगा ओनली 1 वैलिड कार्ड। अगर इसमें 4 आता है तो हम डिक्लेयर भी कर सकते हैं। लेट्स सी होता है ऐसा या फिर नहीं। मैं तो यही चाहता हूँ, अगर हम डिक्लेयर नहीं ना कर पाए तो मैं चाहता हूँ कि मिनिमम पॉइंट से लॉस हो, 20 से डाउन। ओके, ये बंदा 10 डिस्कार्ड करता है, सो 10 तो पिक नहीं करेंगे। क्लोड ऐसे कार्ड पिक करते हैं एंड हमारे पास 2 आ चुका है। सो हमारी एक और सीक्वेंस रेंज हो चुकी है, सो मैं अब किंग को ही निकाल देता हूँ। लेकिन अभी भी हमारे 21 पॉइंट है, डिक्लेयर करने के लिए अभी भी 2 वैलिड कार्ड चाहिए। ओके, इस बंदे ने किंग के अकॉर्डिंग किंग निकाला तो है, लेकिन इसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है। हम क्लोड से कार्ड पिक करते हैं एंड हमारे पास अगेन 2 आ चुका है। सो अब मुझे सेट ब्रेक करना ही पड़ेगा। सो मैं 7 को ही निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे पॉइंट्स भी तो डाउन करने ही हैं, इस वजह से मैंने 7 ही निकाल दिया। अगर वैसे बंदे ने किंग निकाला जो राइट पैर है, ये बंदा फ्यूचर में जे निकाल सकता है डैन में अगर इसके पास आ गया तो। अब देखते हैं ये बंदा कौन सा कार्ड निकालता है। ओके, इस बंदे ने 6 निकाला है, मतलब फॉलो तो कर रहा है, सीक्वेंस सेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट कलर के कार्ड निकाल रहा है। ओके, हमारे पास 5 आ चुका है, सो मैं 7 को डिस्कार्ड कर देता हूँ।
अब बचाइए गाइस डिक्लेयर करने के लिए ओनली वन वैलिड कार्ड, और चाहिए हमें हर्ट में 3 या फिर डाउंड जे आ जाए या फिर स्पिरिट्स में जे आकर हम सेट रेंज करके डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, लेकिन गाइस ये बंदा देखो इसने 7 कब निकाला, जब हमने 2 times 7 निकाला। भाई साहब काफ़ी स्मार्ट है ये बंदा। एंड गाइस हमारे पास 2 आ चुका है, सो मैं 3 को ही निकाल देता हूँ। ऐसे बंदा पिक कर सकता था कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे पास डबल था। खैर कोई नहीं, पिक तो नहीं किया इसने। ओके, इस बंदे ने 5 निकाला है। अगर एक बार और फॉलो कर रहे ना ये बंदा, तो हम डिक्लेयर जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इसने 7 के अकॉर्डिंग 7 निकाला है ना। अगर 3 के अकॉर्डिंग हर्ट में 3 निकाल दे ना, तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं। आई थिंक ऐसा भी हो सकता है इसके पास 7 बाद में आया हो, क्योंकि हमने 7 निकाला था 2 times, तब जाके इसके पास 7 आया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। और जे देखो गाइस कहाँ पे निकाला, जो कि हमको चाहिए था। और बंदा देखो 10 निकाल रहा है, जो हमको तो चाहिए ही नहीं भाई, जे चाहिए। एंड गाइस हमारे पास क्या मैं बोलूँ, इनवैलिड कार्ड आए जा रहे हैं। सो मैं बस सोच रहा हूँ कि मैं जे निकालूँ या फिर 3। सो मैं 3 को ही निकाल देता हूँ। अब हमने बैक टू बैक 2 times 3 निकाला है, सो अब बंदा निकाल सकता 3। लेट्स सी इट निकालता या फिर नहीं। और जे भी निकल चुका है, इसमें जे निकल चुका है, लेकिन अभी भी डर्न में जे नहीं निकला, तो बंदा निकाल सकता है क्योंकि इसने किंग निकाला था। ओके, ये बंदा हर्ट 5 डिस्कार्ड करता है, सो हर्ट 5 तो पिक नहीं करेंगे, क्लोट ऐसे कार्ड पिक करते हैं गाइस। एंड हमारे पास भी इनवैलिड कार्ड 7 आ चुका है, सो इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। अगर हम 7 को होल्ड रखे होते ना, शायद हम डिक्लेयर भी कर सकते थे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। होते हो गए जिस बंदे ने 7 ही निकाला है। आई थिंक बंदे पॉइंट्स तो डाउन कर ही चुके होंगे, क्योंकि इन्होंने सभी ने कार्ड पिक किया। एंड गाइस हमारे पास 5 आ चुका है, सो मैं 5 को डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि बंदे ने 3 पिक नहीं किया था, तो 5 पिक नहीं करेगा। देखो गाइस ये बंदे ने 10 निकाला है, उसने 10 ही पिक कर लिया। ओके, और फाइनली गाइस जिस बंदे ने 3 निकाल ही दिया, आखिरकार ये बंदा हमारे ट्रैप में फंस ही चुका था। सो हम डायमंड 2 के साथ गाइस कर देते हैं डिक्लेयर, इसी के साथ फिनिश। लेकिन डिक्लेयर करने का कोई मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। आई थिंक जो राइट पैर है ये तो ओनली 3 points से लॉस हुआ है, और इस बंदे के साथ कुछ गलत सीन हो गया। भाई साहब क्या बात है, एलिमिनेट। ओके, बंदा एलिमिनेट हुआ। और ये बंदा देखो क्वीन क्वीन का सेट रेंज कर रहा था, जो ओनली 4 points से लॉस हुआ है। खैर कोई नहीं गाइस, अगेन कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं इस बारी, काफ़ी ओपी कार्ड है भाई साहब, क्या ही बात है। प्योर सिक्वेंस है एंड 3 जोकर है हमारे पास। आई थिंक फर्स्ट टर्न में डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि हम 7-7 का सेट रेंज कर लेंगे एंड 5 का भी सेट रेंज हो जाएगा। एंड डायमंड 5 के साथ करते हैं डिक्लेयर, इसी के साथ फिनिश। आई थिंक बंदे इजी 40 points से लॉस हो चुके होंगे, और ऐसा ही होता है, ये तीनों प्लेयर इजी 40 points से लॉस हो जाते हैं, और इनको एलिमिनेट होने के लिए ओनली एक जने को 5 points एंड जो लेफ्ट एंड सेकंड लेफ्ट वेयर है इनको ओनली 2 points चाहिए एलिमिनेट करने के लिए। देखते हैं होते हैं या फिर नहीं। सो अगेन गाइस कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, इस बार हमारे पास ओनली इनवैलिड कार्ड है, सो बेसिकली हम यहाँ पे ड्रॉ भी करेंगे, क्योंकि रिस्क करने का चांस बनता है नहीं। अगर मेरे पास 2 जोकर होते ना, तब भी मैं इन कार्ड्स से तो ड्रॉ भी करता, क्योंकि देखो गाइस हमें डाउन में क्वीन चाहिए, 10 चाहिए, 6 चाहिए, ओनली 3 वैलिड कार्ड है हमारे पास जवाने चाहिए, तो इससे अच्छा हम ड्रॉ भी करते हैं। सो गाइस हम बैट स्किप करते हैं, देखते हैं कौन बंदा डिक्लेयर करता है। ओके, सो फाइनली गाइस डीलर डिक्लेयर कर देता है
एंड जो 96 पॉइंट वाला बंदा होता है ये ओनली 16 पॉइंट्स लॉस होता है लेकिन एलिमिनेट हो जाता है, और 100 पॉइंट वाला बंदा तो एलिमिनेट होना इसका पक्का था ही था, क्योंकि इस बंदे को एलिमिनेट होने के लिए 2 प्लस पॉइंट काफ़ी थे, और ऐसे ही होता है ये तो 80 पॉइंट से लॉस हो जाता है। चलो कोई नहीं, ये दोनों एलिमिनेट हो गए, अब इस बंदे को एलिमिनेट करना बाकी है। सो अगेन गाइस कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, इस बार हमारे पास ओनली 1 जोकर है, लेकिन हम प्ले करने वाले हैं इन कार्ड्स से क्योंकि हमारी प्योर सिक्वेंस रेंज होने वाली है यहाँ पर। मतलब देखो कितना टाइम लगा रहा है, देखो गाइस हमारी प्योर सिक्वेंस इसने रेंज करवाई थी। सो अब तो प्ले करना बनता है ना। सो अब हम निकाल देते हैं हर्ट में 7 को, लेकिन अभी भी हमारे 37 पॉइंट हैं। ओके इस बंदे ने 6 निकाला एंड गाइस हमारे पास 4 आ चुका है। सो 4 का सेट रेंज कर लेते हैं, एंड अब हम कौन सा गा निकालें। सो मैं किंग को डिस्कार्ड कर देता हूँ क्योंकि मैं सोच रहा था कि इस बंदे ने 6 निकाला, अगर 6 के अकॉर्डिंग हमने इसको डायमंड 8 निकाला ना तो दिक्कत हो सकती है, इस वजह से मैंने किंग को डिस्कार्ड कर दिया। और ये बंदा 6 अगेन निकालता है, सम सेकंड लाइफ में अरेंज कर लेते हैं एंड अगेन जे को डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके ये बंदा भी जे के अकॉर्डिंग जे डिस्कार्ड कर रहा है। अब हम थोड़ा सा टाइम देखें गाइस, अगर वैलिड कार्ड आ गया तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं, और ऐसा ही होता है हमारे पास 2 आ चुका है। सो 8 के साथ करते हैं डिक्लेयर, इसी के साथ फिनिश, और हम इस बैट को इजी विनर हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में। ओके बाय।